साल 1993 की फिल्म का एक ऐसा गाना जो बहुत ज्यादा विवादों में रहा था। ये फिल्म थी खलनायक और गाना था चोली के पीछे क्या है। ये गाना जितना विवादित रहा उतना ही पॉपुलर भी हुआ, उतना ही फेमस भी हुआ यह गाना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस गाने की शूट के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि नीना गुप्ता शर्मिंदा हो गई थी। दरअसल डायरेक्टर सुभाष घई ने इस गाने में पूरी जान झोंक दी थी। उन्हें पता था कि ये गाना जो है वो बहुत पॉपुलर होने वाला है, तो इसलिए इस गाने को लेकर हर एक बारीक चीज पर ध्यान दिया गया। ऐसे में नीना गुप्ता से जब सुभाष घई साहब ने कांटेक्ट किया तो नीना गुप्ता ने साफ मना कर दिया। लेकिन सुभाष घई साहब इस गाने के लिए नीना गुप्ता को ही लेना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने किसी तरह नीना गुप्ता को मनाया, तब जाके नीना गुप्ता ये गाना करने को तैयार हुई। ऐसे में जब नीना गुप्ता पहले दिन सेट पर पहुंची शूटिंग करने के लिए, तो उन्हें गुजराती परिधान दिया गया पहनने के लिए। वो तैयार होके डायरेक्टर के सामने पहुंची। सुभाष घई साहब ने ऊपर से नीचे उन्हें स्कैन किया और उसके बाद वो चिल्लाने लगे, अरे ऐसा नहीं, भरो इसे। उनका हाथ जो था, सुभाष घई साहब का हाथ, नीना गुप्ता की ब्रेस्ट की तरफ था। यानी कि वो अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर से ये बात कह रहे थे कि भरो, ब्रेस्ट जो है वो खाली खाली दिख रहा है। ऐसे में नीना गुप्ता के सामने बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई थी। वो पूरे सेट के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। खैर उस दिन तो शूट नहीं हो पाया। अगले दिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने नीना गुप्ता की ड्रेस में पैडेड ब्रा लगाया, तब जाके नीना गुप्ता को वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए दिया गया। और इस बार जब नीना गुप्ता वो कॉस्ट्यूम पहन के आई डायरेक्टर सुभाष घई के सामने, तब जाके सुभाष घई साहब ने ओके किया। आपको बता दें कि इस गाने में माधुरी दीक्षित, नीना गुप्ता नजर आई थी। गाने को आवाज दी थी इला अरुण ने। और ये गाना विवादित तो रहा, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहा। किस किस ने ये गाना सुना है बता दीजिएगा, क्योंकि 1993 का ये गाना पॉपुलर था, लेकिन कई सालों तक ये गाना जो है वो बजता था कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में। जिस गाने को अश्लील कहा जाता था, वो शादी ब्याह में बजने वाले फेवरेट सॉन्ग में से एक सॉन्ग माना जाता था। कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा चोली के पीछे क्या है गाना किस किसने सुना है।